अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू। मेरा नाम इस तिवारी एंड आई वेलकम यू इन अवर यूट्यूब चैनल बैंकर सिड्डा पुणे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल आरआरबी जेई का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जो कि मई जून से सेकेंड जून तक जाएगा, तो जिसमें दो शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग। तो जेई का जो अभी पैटर्न है वो आपको मालूम है, जो CBT 1 है उसमें रीजनिंग है, आपका FT है अगर मैं बात करने जाऊँ मैथ, और दूसरा आपका GA एंड GS। तो GA और GS के जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, दे आर द 40 20 20 डिवाइडेड है, 20 जनरल साइंस के हैं और 20 जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। तो अगर मैं आज के डिस्कशन की बात करूं, तो आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो GA और GS का पैटर्न है वो कैसा रहा, ओवरऑल ये टफ था, इजी था या मॉडरेट था। तो दोस्तों ये जो पेपर लेवल था ऐसा बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है, बट डिपेंड था कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से की हुई है। जो बच्चे जिन्होंने बहुत ज़्यादा थ्योरी को रटा हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में, तो ज़्यादा चीज़ें इससे नहीं आई। जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं दोस्तों, वो पूछी गई आपकी साइंस है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आई वो साइंस में, और साइंस में इन्होंने जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे बायो से, फिर उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स की प्रायोरिटी दी इन्होंने, और सेकेंड इन्होंने जो प्रायोरिटी रखी है वो केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में इन्होंने नाम दिया, बहुत से क्वेश्चंस में इन्होंने ये पूछा, pH वैल्यू दी कि 4 से लेके अगर pH वैल्यू 6 है तो क्या कहलाएगा। बहुत से इन्होंने, जैसे मैं बात करूँ सिंदूर का, इन्होंने नाम पूछा, ठीक है। दूसरा इन्होंने नेम दिया Na2C2H5OH का नाम क्या है, मेथिनॉल कहलाएगा या एथिनॉल कहलाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो केमिस्ट्री पर बेस्ड थे। फिजिक्स पर इन्होंने जो बात की वो कुछ यूनिट्स पूछे, जैसे मैं 22 अगर मई की बात करने जाऊँ जो शिफ्ट हुए फर्स्ट और सेकेंड, तो इन्होंने किसी में पूछा कि इम्पल्स का यूनिट क्या है, एक में इन्होंने वर्क का यूनिट पूछा, ठीक है, एक में इन्होंने जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, इन्होंने ये पूछा कि किसको हम लोग किस लॉ को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं, और उन्होंने वहाँ पे एग्जांपल दिया था गैलीलियो, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए साइंस की, तो साइंस का क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, मॉडरेट था। लेकिन अगर मैं बात करने जाऊँ GA की, जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में जो हिस्ट्री था ये इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं आए हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हाँ कुछ टॉपिक ज़रूर आए, जिसमें उन्होंने एंशियंट से पूछा। तो जो एंशियंट से आपको 22 मई को जो क्वेश्चन देखने को मिला, उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था, जहाँ पे आंसर था बृहदत्त। इन्होंने आज जो 23 की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर से इन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो हिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो इतना ज़्यादा मेजर क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ठीक है। और हाँ, मुझे इकोनॉमी में तो बिल्कुल भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो इकोनॉमी ना के बराबर था, और दूसरा अगर मैं बात करने जाऊँ पॉलिटी, तो इससे भी इतना कुछ नहीं आया रेलवे में इस बार, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी से ज़रूर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आए। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो ज्योग्राफी से उन्होंने जरूर क्वेश्चन पूछा। 22 मई को एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है वो क्या है। तो आप ये जानते हैं कि अर्थ पे हम लोग कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं। अगर मैं इक्वेटर के पैरेलल में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, 0 डिग्री पैरेलल लाइंस टू इक्वेटर, सो दोज आर कॉल्ड लैटिट्यूड। और अगर मैं इक्वेटर के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा अर्थ की सरफेस पर इमेजिनरी लाइंस, सो दोज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो ये आपके लिए बेसिक थ्योरी थी, आपको आसानी से पता होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन था उन्होंने, जो GA में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा दोस्तों, वो उन्होंने मिक्स किया था करंट को, ठीक, करंट अफेयर बहुत था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। और दूसरा इन्होंने सेक्शन रखा स्टैटिक को, ठीक है। स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने फिर से इस बार डिफेंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। इन्होंने इसरो के बारे में पूछा, इसरो के, और अगर मैं बात करूँ तो DRDO का भी एक क्वेश्चन आया था, तो इन्होंने पूछा इसरो के हेड कौन है, जहाँ पे आंसर था डॉक्टर के शिवन। और एक में पूछा गया था कि DRDO के हेड कौन है, चेयरमैन का नाम कौन है, तो वहाँ पर हम आंसर टिक करते थे G. सतीश रेड्डी, ठीक है। तो ये इन्होंने डिफेंस से, स्टैटिक में दूसरा और क्वेश्चन पूछा गया जिसमें नेशनल डे और इंटरनेशनल डे, वाटर डे के बारे में पूछा गया। तो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट था, बट डिपेंड ये पहले ही करता था, मैंने आपको क्लियर समझाया था कि SSC की तरह नहीं है, इसमें थ्योरेटिकल सेक्शन से ज़्यादा चीज़ें नहीं आने वाली। तो आप लोग क्रैप और स्टैटिक और करंट सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो वही इन्होंने इस बार किया कि जनरल अवेयरनेस वाले जो 20 क्वेश्चन थे उसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने करंट पर फोकस किया। दो कंट्रीज़ की उन्होंने कैपिटल करेंसी भी पूछी, जैसे मैं बात करने जाऊँ 22 मई की, तो उसमें इन्होंने जापान पे फोकस किया। एक शिफ्ट में इन्होंने जापान का करेंसी पूछा, जो जापान की करेंसी येन है, और दूसरी में इन्होंने जापान की कैपिटल की बात की, टोक्यो।
एक में उन्होंने प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की बात की, प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करने जाऊं तो उन्होंने पूछा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम, फिर उससे करेंसी कैपिटल की बात करने जाएं केप टाउन और वहां की जो करेंसी रैंड। दूसरा अगर मैं बात करने जाऊं तो उन्होंने कुछ इकोनॉमी में, हाँ इकोनॉमी में ये जरूर कह सकते हैं आप, इकोनॉमी की बात भी कर सकते हो। इन्होंने दो क्वेश्चन लेके आए थे, एक वर्ल्ड बैंक और दूसरा इन्होंने ADB। तो एक्चुअली मैं इनको इकोनॉमी में नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन थे। तो वर्ल्ड बैंक के इन्होंने न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन को पूछा, तो वर्ल्ड बैंक के आप जानते हैं जो न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है उनका नाम है मिस्टर डेविड मालपास, डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है। और दूसरे में ADB का उन्होंने एशियन डेवलपमेंट की हेडक्वार्टर की बात की थी। तो अगर ADB के हम हेडक्वार्टर की बात करने जाएं तो यह मनीला फिलीपींस, ठीक है, मनीला फिलीपींस। तो ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपका। अगर मैं बात करने जाऊँ करंट से रिलेटेड तो आपको मैंने पहले ही समझाया था कि जो बच्चे रेलवे देने जा रहे हैं उनके लिए करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोग करियर पावर पुणे में एवरी सैटरडे को पूरे वीक पर बेस्ड एक करंट अफेयर का क्लास कंडक्ट करते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जब से हम लोगों ने करंट करना शुरू किया फरवरी मार्च और अप्रैल की, वहाँ से क्वेश्चन मिस हुआ हो, सारे क्वेश्चन वहीं पर थे। हम लोग एवरी वीक में लगभग एक या दो बार ये वर्ल्ड बैंक और ADB के बारे में ज़रूर बात करते हैं। दूसरा उन्होंने कुछ क्वेश्चंस अवार्ड पर बेस्ड पूछे, स्टैटिक की ही बात कर रहे हैं, करंट की ही बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ऑस्कर अवार्ड की बात की, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड की बात की, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक बुक की भी बात की दोस्तों। अगर आज के हम 23 मई की बात करें तो 23 मई पर इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो कौन सा था, क्वेश्चन 23 मई पर बेस्ड था कि अभी रिसेंटली किसको डेथ के बाद भारत रत्न दिया गया, ठीक है। तो दो अवार्ड है, दो लोगों को है अगर हम बात करने जाएं भारत रत्न अवार्ड आफ्टर दिया गया डेथ के बाद, पोस्टमसली अवार्ड जिनको नेम दिया जाता है, ठीक है, पोस्टमसली अवार्ड, तो दो लोगों को दिए गए थे। वहाँ पर आपने ऑप्शन चेकिंग से ही टिक करना पड़ेगा। एक इन्होंने बुक भी पूछी जिसका नाम था रनअवेज, द बुक ऑफ रनअवेज। तो इसके इन्होंने ऑथर पूछे थे कि द बुक ऑफ रनअवेज के ऑथर कौन है, तो वहाँ पर संजीव साहोता जो एक ब्रिटिश ऑथर है उनका नाम यहाँ पर था, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। तो इलेक्शन की अगर मैं बात करने जाऊँ तो इन्होंने इलेक्शन पर बेस्ड इन्होंने पंजाब के टोटल सीट्स की पूछी थी कि लोकसभा में पंजाब की टोटल कितनी सीट हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आंसर था 13, ठीक है, 13। यानी कि क्लियर समझ में आ रहा है कि जो लोग अभी NTPC देने जा रहे हैं जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है कि उन्होंने ज़्यादा थ्योरी पर कंसर्न नहीं करना है। अगर आप थ्योरी पर कंसर्न करने जाएंगे तो आप वहाँ पे धोखा खाएंगे। आप ये याद रखिए थ्योरी को मार्जिनल पढ़िए, सिर्फ इतना कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इसको बहुत डिटेल में नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सेक्शन आपने करना है इसमें GA वाले सेक्शन, वो आपने करना है अपना करंट का, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखने पड़ेंगे आपने वहाँ पर, दूसरा देखने पड़ेंगे बुक्स एंड ऑथर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखने पड़ेंगे और आपने स्पोर्ट्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, आपने स्पोर्ट को भी देखना पड़ेगा। अब दूसरी मैं अगर बात करने जाऊँ दोस्तों तो इन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था जो करंट पर बेस्ड ही था, ठीक है। स्टैटिक में अगर मैं बात करने जाऊं तो एक क्वेश्चन स्टैटिक से इन्होंने कुछ लेख पूछे, इंपॉर्टेंट लेख। इंपॉर्टेंट लेख्स में अगर हम बात करें तो हम 4 से 5 लेख पढ़ते हैं। पहला डल लेक पढ़ते हैं और बुलर लेक। तो जो डल लेक और बुलर लेक लोकेटेड है जस श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं चिल्का लेक जो कि आपका कहाँ पर लोकेटेड है, उड़ीसा में। फिर हम पढ़ते हैं लोकटक जो आपके मणिपुर में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दूसरा इन्होंने एक फ्लोटिंग पार्क के बारे में पूछा था कि वेयर इज द इंडियाज फ्लोटिंग पार्क इज लोकेटेड, तो भी वहाँ पर आंसर मणिपुर था। और अगर मैं लोकटक लेक की बात करने जाऊँ तो भी वहाँ पर जो आंसर है मणिपुर ही है। हाँ, इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉक डांसेस पूछे, इंपॉर्टेंट फॉक डांसेस। कुछ उन्होंने मॉन्यूमेंट पे भी फोकस किया, ठीक है, कुछ इन्होंने मॉन्यूमेंट पे भी फोकस किया। तो अगर मैं मॉन्यूमेंट की बात करूं तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जो एक टेंपल है बड़ा इशू में हुआ था, सबरीमाला टेंपल, जो लगभग 3 से 4 महीने तक न्यूज़ में चलता रहा, वो लोकेटेड कहाँ पर है, तो वहाँ पर आंसर था कि इट इज़ लोकेटेड इन टू केरला। दूसरा क्वेश्चन जो दोस्तों आया था वह अपॉइंटमेंट से, ठीक है, अपॉइंटमेंट। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा अभी भी जिन लोगों का NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम है
उन लोगों के लिए जो सैटरडे का करंट अफेयर का लेक्चर है जो हम इस बार सैटरडे को फिर से करने जाएंगे, जो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है, उसको आप जरूर अटेंड कीजिए। 2 आवर का लेक्चर है, उसमें जितनी भी ये चीज़ें हैं सारी की सारी कवर करते हैं हम लोग। स्टैटिक की बात करने जाएँ, अपॉइंटमेंट की बात करने जाएँ, इकोनॉमी और फाइनेंस की जैसे वर्ल्ड बैंक और ADB की बात करने जाएँ, हम इंपॉर्टेंट डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी पार्ट कवर करते हैं, इंपॉर्टेंट नेशनल डे इंटरनेशनल डे, इंपॉर्टेंट अपडेशन रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड पार्ट होता है, ठीक है। देखिए मैं अपॉइंटमेंट की बात करता हूँ, तो उन्होंने कुछ लोकेशंस के कुछ स्टेट्स के CM का नाम पूछा। CM है, उन्होंने उत्तराखंड के गवर्नर का नाम भी पूछा, बेबी मौर्या की अगर हम बात करने जाएं, रानी मौर्या। दूसरा उन्होंने पूछा कि किस राज्य के CM को मामा बोला जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन था रेलवे में। तो अगर मैं मामा को बात करूँ तो एक टाइटल है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ये पूछ सकता है कि विच स्टेट फॉर्मर CM, ठीक है, इट्स नोन एज द मामा। तो ये शिवराज सिंह चौहान जो फॉर्मर CM थे मध्य प्रदेश के, ये पूछा गया। कर्नाटक का इन्होंने CM पूछा, चीफ मिनिस्टर, तो कर्नाटक के जो CM है HD कुमार स्वामी, ठीक है। तो अभी भी आप ये याद रखिए हमारे पास सफिशेंट टाइम है जो NTPC और ग्रुप डी के लिए कर रहे हैं, और हमारे पास ऑलरेडी बैचेस भी चल रहे हैं। अगर आपको बैचेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाएगा और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको लिंक दिया जाएगा, तो उसको ज्वाइन कीजिए आप। और अगर कोई क्वायरी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी नंबर आपको बता देता हूँ यहाँ पर, 7350288553। तो आप जो रेलवे और हमारे जो अभी रिसेंटली SSC ओरिएंटेड ग्रुप है उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जो सैटरडे का करंट है वो मत मिस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है इस समय रेलवे में वो थ्योरीज में से ना पूछ करके इस समय जो क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर से। हाँ, लेकिन साइंस का अपना अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, तो साइंस का वेटेज बहुत है। साइंस के क्वेश्चंस अगर मैं 40 में बात करूँ तो मोर देन जो 15 क्वेश्चन थे वो साइंस के ही थे, बाकी मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो आपके करंट पर बेस्ड थे, जिसमें अपॉइंटमेंट था, इंटरनेशनल डे और नेशनल डे पूछा गया। दूसरा उन्होंने जो सेक्शन पूछा मॉन्यूमेंट से रिलेटेड, दूसरा हम बात कर सकते हैं बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक आपको क्लियर समझ में आया होगा कि पेपर इतना टफ नहीं था, आपको टफ इसलिए लगा क्योंकि आपने इन सेक्शंस को कवर नहीं किया था, पेपर आसान था, मॉडरेट था। अगर आपने अच्छी तरीके से स्टैटिक और करंट किया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों से हो गया होगा, ठीक है। उम्मीद है कि जो लोग मुझे देख रहे होंगे वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट जो हम लोग सैटरडे को करंट अफेयर का लेक्चर करने जा रहे हैं वो जरूर अटेंड करने, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि जिससे लोगों को अभी जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें, कि हमने हिस्ट्री का, इकोनॉमी और पॉलिटी का ज़्यादा टॉपिक नहीं करना है, क्योंकि पॉलिटी और इकोनॉमी एक बहुत ही माइनर पॉइंट पे, हाँ हिस्ट्री के जरूर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले और सिमिलर ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन, बट स्टैटिक ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल ज्योग्राफी पूछ रहा है, स्टैटिक ज्योग्राफी पूछ रहा है, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी भी कर लिया तो भी आसानी से हो जाएगा। और बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सैटरडे, जो हमारा करंट का लेक्चर होता है आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं, जो हमारा फेसबुक कैरियर पावर पुणे पेज है वहाँ पर भी देख सकते हैं, या फिर हमारे इंक्वायरी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।